नमस्कार, आप सभी दर्शकों से वैशाली टुडे अपील करता है कि 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। अपने तरीके से करते, लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, उसमें मेरा नहीं, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा ना। कैंडिडेट को पूरा का पूरा लॉ कहता है कि वो अपने बूथ पे एजेंट से पब्लिक से बात कर सकती है, जब कोई सूचना मिलेगी तो वो जाएंगे, वो भी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं चल सकते, और वो भी ऑर्डर होगा उनका निर्वाचन आयोग का, तो वो तो चेक होता है गाड़ी, तो उसके बाद जब वो पहुंचे तो जिस तरीके से लोकल बीजेपी के गुंडों ने उसको तो बाद में जातीय रंग दिया गया, और हमेशा से जबकि यहाँ पर प्रभुनाथ भाई भी, राम बहादुर भाई भी, क्या कहते हैं, रूडी जी भी साथ चुनाव लड़े, लालू यादव के साथ राजनीति की है, जनता दल के साथ राजनीति हुई है, जिसमें सर्व समाज के लोग रहे, उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के जब भी प्रभुनाथ जी चुनाव लड़े या रूडी जी चुनाव लड़े जनता दल से, तो जादवों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाठी खाया होगा आगे बढ़ के। तो एक तो जाति का कोई उन्माद और जाति कोई मतलब नहीं होती। बीच बीच में जब कभी चुनाव लालू यादव जी भी लड़े हैं तो एक आध बार को छोड़ करके कभी भी इतना उन्माद नहीं रहा, जबकि लालू यादव जी को हमेशा राजपूत समाज के 20-25% वोट, 10-25% वोट मिलता रहा है। लेकिन अब जो जिस तरीके की राजनीति, बुजुर्गों ने भी जिस तरीके की रोहिणी जी को पर्सनल अटैक किया, कोई जाति धर्म मजहब की बेटी हो, माँ हो, वो आप जब तक उसका सम्मान नहीं करेंगे आपके जाति का सम्मान नहीं हो सकता, जब तक दूसरे जाति की इज्जत नहीं करेंगे आपकी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ ही नहीं सकती, आपकी जाति का सम्मान तब होगा जब आप दूसरों की बेटी माँ बहनों का सम्मान करेंगे। जो आपने गाली दिया, जो या जाति सूचक बात किया, एक तो उसकी आलोचना तुरंत बीजेपी को और सभी लोगों को करना चाहिए, खासतौर पर जो अपने को विद्वान कहते हैं, जाहिल नेता, ये जो जाहिलपन उन्होंने दिखाया ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने आलोचना न करके उल्टे उन्होंने कह दिया सेल्फ डिफेंस में गोली चलेगी, गोली चलती रहेगी, डरने वाले नहीं है, एक तो ये, और दूसरा चीज चुनाव में जब हथियार लाइसेंस जब्त हो जाता है तो इन लोगों के पास हथियार कहाँ से है, तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन पहले से मिला हुआ है। अच्छा, एक हथियार दो हथियार किसी के घर में रहा भी, हम रूडी जी से जानना चाहते हैं कि आपकी माँ बहन बेटियों भी तो है, रोनी आपकी भी तो बहन है, भतीजी है, बेटी है, क्या आपको बुरा नहीं लगा जो शब्द का प्रयोग किया गया, कितनी गंदी गंदी बात कही गई है वहां, वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो बढ़ के बात करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। हम लोग तो किसी भी कीमत पर किसी भी समाज और जाति के बेटियों को भगवान की तरह पूजते हैं और पूजेंगे भी, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी दूसरे दिन, और फिर रूडी जी ने जो बात कही उससे लगता है कि ना तो दिल्ली में इनकी सरकार है ना बिहार में सरकार है, दोनों जगह सरकार कोलैप्स कर गई है, सरकार पर इनको विश्वास नहीं है, तो नहीं है तो सरकार, बिहार सरकार को बर्खास्त कर दीजिए और कानून आप अपने हाथ में लेना चाहते, तो ये जाहिल पर नहीं है। तो इसके लिए जब वो कह रहे हैं कि आगे भी गोली चलेगी, अभी रुकने वाला नहीं है, तो इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं, इस जाहिल पर? आप तो किसे जिम्मेवार मानते हैं भैया? बीजेपी, बीजेपी के गुंडे, ये नेता, आसे आप तो बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू से हो गई, औरंगाबाद में भी यही राजनीति हुई, नवादा में यही राजनीति हुई, अब मुंगेर में आकर के आपने तो एकदम तबाही कर दिया, मातो भरसेस भूमिहार करवाने की कोशिश की आप, दोनों को जेल से निकाल लिए, एक नेता उधर से निकाले, एक नेता इधर से निकाले, वहाँ चुनाव क्या हो रहा था वहाँ लग रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें मीडिया के लोगों ने वहाँ पर रोल निभाए, गलत लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया, प्राथमिकता दी, और उसको गणेश परिक्रमा करते रहे, नतीजा हुआ कि पूरा तनाव भर गया, वो तनाव का छपरा आते आते उसका आपने जो आपके मन में थी जो तरीके थे, भैया 15-20 हथियार आए कहाँ से, जब एक दिन पहले चुनाव हुआ तो 15-20 हथियार वहां कहाँ से आए,
सर आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं, सरकार कैसी कार्रवाई करे इसमें? सारे गुंडे के लाइसेंस रद्द हो, 302 का मुकदमा सब पर लागू हो किया जाए, जो जो लोग इन्वॉल्व है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, जो भी कानून को हाथ में लिया है, दोनों पक्ष के लोग, इधर से भी सुबह में कोई कानून हाथ में लिया है तो उन पर भी आप कार्रवाई करें, लेकिन एसपीडी ट्रायल तो 302 का करेंगे ना। दो बच्चों की मौत अकारण, उसको भी आप देखिए क्यों हुई। तो आज पीस की जरूरत है छपरा में। छपरा हमेशा से ऐतिहासिक धरती रही है। छपरा को आप कहां सीप की नगरी, कहां भिखारी ठाकुर, कहां राजेंद्र बाबू, और कहां आपने छपरा को बिल्कुल जाहिल और क्रिमिनल का जगह बना दिया, एकदम मसल पावर का जगह बना दिया। ये ऐसी राजनीति कब तक, 4 के बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। समाज को तो यही रहना है, तो समाज को तो बचने दीजिए, आग में घी का काम तो नहीं करिए जाहिल नेताजी। आप पर उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव लगने के। चाहे रूडी जी हूँ या फिर सम्राट चौधरी, उनसे जब ये पूछा गया यहाँ की घटना के बारे में, उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी हैं आरजेडी की, वो बार बार जाके बूथ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश। भैया ये मूर्खाधीश है हमको क्या। और ये लोग, मैंने पहले कहा कि इनको किताब कानून का कोई ज्ञान नहीं है। बूथ के भीतर इतनी फोर्स है, इनकी सरकार है, ये बूथ कैप्चरिंग के लिए चले जाएंगे, तो इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है ना, जंगल राज है ना, मां जंगल राज आप इसी को कहेंगे ना। दो दो सरकार होने के बाद ये स्थिति है, और सामने में जबकि लोग हैं, 5 आदमी से बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है। और बीजेपी के नेता जिस तरीके से अपने क्रिमिनल को, गुंडों को प्रोटेक्ट करने, उनको सस्पेंड करने, पार्टी से निकालने के बजाय उसको प्रोटेक्ट कर रहे, सही किया, सेल्फ डिफेंड में गोली चलाए, आगे भी गोली चलाएंगे, आगे ऐसा होगा तो गोली चलाएंगे। अरे कानून को काम करने दीजिए। सम्राट चौधरी तो पहले जंगल राज पे, तो चिंता मत करिए, तो पता चल जाएगा। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, शीशे के घर में रह के पत्थर चलाते हैं, ये लोग कितने दागदार हैं, और ये पैदा ही हुए सब जनता दल से। हम तो पैदा नहीं हुए जनता दल से, ये लोग तो पैदा हुए हैं जनता दल से। इन लोगों का बाप दादा पैदा हुआ है जनता दल से, पुराने जनता दल से लेकर के आज तक। और अभी यदि पार्टी बदलिएगा, कल के दिन पार्टी बदलिएगा, तो फिर जनता दल यू और राजद तो एक ही थे, तब तो यादव आपके साथ भी था, अब फिर 4 तारीख को जो बदलने वाले हैं, तो फिर यादव आप लोग एक हो जाइएगा। तो मार खाए गधा खेत खाए झोला। आप हमको बताइए ना कि खेत का जो है मार खाए गधा, दोनों का जो पहलू है, ये जनता तो मर रही है ना, वो डर का वातावरण है ना, और जनता के सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है ना। माँ बेटी का असर तो जनता पर पड़ता है ना, लोग तो सेंटीमेंट में लेते हैं, तो गलती कल के दिन मिल जाइएगा सब। और आम आदमी का क्या हाल होगा, आम आदमी तो फंस गए, मिलेंगे ही ये लोग, तो इसीलिए इन लोगों पर 300 स्पीडी ट्रायल, 20 लाख रुपया, रूडी जी पर FIR, रूडी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो, उन्होंने साजिश की है, और इंक्वायरी चाहते हैं कि बंदूक राइफल घर में कैसे था चुनाव जब था, और इतने बंदूक राइफल का जमावड़ा एक रात रात कहां से हो गई और पीछे से कहां भाग गए। कल ही पर वहां कह दिया था अररिया में, वहां तो मदद की है अभी जो लोग हॉस्पिटल में है, यहां मैंने कल ही कह दी थी कि जिस रूप से होगी मदद उसकी मदद होगी, उसमें कहां बात।